Ay, tere pa kami ni Chatanga. सो गाइस, इंट्रो तो आपने देखा ही, काफ़ी मज़ेदार गेम प्ले वीडियो होने वाला है। वैसे मैंने स्टार्ट किया था रैंडम स्क्वाड के साथ, बट बन जाता है सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले, क्योंकि मेरे टीममेट कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगह पे जाते हैं जहां रैंक पुश के कीड़ों के अलावा और कोई नहीं जाता। खैर छोड़ो, हमें तो चाहिए भाई रस गेम प्ले, क्योंकि किल की लालच, टायर घटे तो घटे लेकिन कैडी न घटे। फिलहाल गन के नाम पर अभी तक VSS मिली है और VSS से निहत्ते बंदे को ठिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक निहत्ता नॉक करते ही पीछे से फुटस्टेप आते हैं और फुटस्टेप सुनते ही मेरी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ VSS ही है। लेकिन फिर पता चलता है कि भाई ये तो बॉट दादा है, और बॉट दादा अगर निहत्ता ना हो तो अच्छा है। चलो गाइस, गन का जुगाड़ तो हो गया। ऐसे वक्त पर बॉट दादा भी बहुत प्यार आता है, और गन मिलते ही पहले ठिलाता हूँ नॉक वाले बंदे को, और बिल्कुल पास से मुझे फायरिंग का साउंड आता है। आगे जाकर देखता हूँ तो एक बंदा बॉट को बहुत ही मज़े से मार रहा था, और उसी वक्त मौके का फायदा। मुझे लगा इसके आसपास और भी कोई टीममेट हो गए, लेकिन फुटस्टेप न आने पे मैं कर देता हूँ आगे की तरफ रस, और इस बंदे के आखिरी टीममेट को कोई यूजी से टपका देता है, और इसी के साथ एक टीम फिनिश। और यहाँ आने के बाद बहुत ही तगड़ी फायरिंग की साउंड आती है सी बिल्डिंग की तरफ से। फिर आगे जाते समय मुझे आते सामने से फुटस्टेप, बहुत ही तगड़े फुटस्टेप, कोई आइडिया नहीं कितने बंदे हैं। एक बंदे को फिनिश करते ही सामने वाला बंदा कर देता है कैंप, मैं ग्रेनेड करता हूँ और वो मेरे ऊपर मोली कर रहा है, और बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के पीछे की तरफ आता हूँ। अब सामने वाला जान चुका था मेरी लोकेशन, इसलिए मैं कर देता हूँ पहले अपनी लोकेशन चेंज, क्योंकि अभी भी मैं वहीं पड़ा रहता तो और भी ग्रेनेड मोली मेरे मुँह पर आ सकते थे। अभी तक नहीं पता उसे कि मैं कहाँ हूँ, और इसके चलते वो बाहर कूद जाता है और मैं इंतज़ार करता हूँ कि भाई वो आएगा, रस करेगा ओपन से और मैं पहल दूँगा, लेकिन नहीं यार, मुझे ही आगे जाना पड़ता है। वो उसी समय उसका हेलमेट दिखता है मुझे और बंदा भी खड़ा हो जाता है, बुरी किस्मत इसकी। और मैं पूरा फिनिश नहीं करता क्योंकि इसके टीममेट का इंतज़ार करता हूँ, क्या पता उसे बचाने आ जाए, और वैसे भी ये चिल्ला भी रहा होगा, आजा भाई आजा जल्दी रिवाइव कर मुझे बचा ले। लेकिन इसका टीममेट बचाने नहीं आता, शायद कहीं और होगा, और मुझसे ज़्यादा इंतज़ार हो नहीं रहा था क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए इसे फिनिशिंग कर देते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से निकलने के बाद पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है भाई, स्मोक स्मोक सब। आगे जाकर देखता हूँ तो भाई बंदे तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बग्गी मेरी टकरा जाती है, और अच्छी किस्मत भाई मेरी जो वो बंदे कवर में भागते हैं, ना ही मेरे ऊपर एम रख के खड़े रहते हैं, वरना मुझे सांस भी नहीं लेने देते, नॉक भी नहीं होने देते, डायरेक्ट फिनिश। वैसे तो मुझे दो बंदे दिखे, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं वहाँ पे। काफ़ी देर तक वेट किया लेकिन कोई नहीं आया मेरे ऊपर रस करने, इसलिए मैं ही चला आया आगे की तरफ। और यहाँ आकर मुझे आते दो तीन बंदे के फुटस्टेप, और यहाँ आती है मुझे ग्रेनेड की साउंड, मैं चला जाता हूँ कवर में, फट के मारूंगा तो कोई रिवाइव कोई बचाने भी नहीं आएगा। फिर यहाँ मैं कुछ ट्रिक यूज़ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, नीचे ही गिर जा रहा है।
और उसी समय सामने छत पे दिखता है मुझे बंदा। थोड़ी देर वेट करता हूँ और उसका एक टीममेट चला जाता है 3 नंबर को फिनिश करने, जो पहले नॉक किया था उसने। फिर यहाँ मैं ग्रेनेड वाली ट्रिक यूज़ करता हूँ। ग्रेनेड से बचने के लिए भागेगा तो गन से मार दूंगा। यहाँ क्या हुआ गाइस, कुछ पता चला? मैं बताता हूँ। एक्चुअली गाइस मैंने उसे बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन और वो जैसे छत से नीचे गिरा नॉक हो गया। अब यहाँ मेरे पास स्कोप की बहुत दिक्कत थी, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं स्कोप ही नहीं मिला मुझे। सोचता हूँ इस बंदे की पेटी में कोई अच्छा स्कोप मिल जाए, लेकिन सिर्फ 2x ही मिलता है। और मेरे लिए 2x यूज़ करने से अच्छा है कि मैं स्कोप यूज़ ही ना करूँ, क्योंकि बचपन से दुश्मनी है 2x स्कोप के साथ। और मुझे लगा कि बगी के अलावा और भी कोई बंदा है रिच पर, लेकिन मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रही है स्कोप के बिना। और यहाँ से मैं निकल ही रहा होता हूँ, उतने में ही 4 नंबर मार करके बताता है कि भाई यहाँ बंदे हैं, और मेरे ऊपर होता है बहुत ही तगड़ा फायर। कहते हैं ना कि दिन खराब हो तो गधे भी लाट मारते हैं। एक तो स्कोप नहीं मिल रहा, ऊपर से बग्गी भी टकरा जाती है। और गाइस मैं यहाँ अपनी मौत को महसूस कर रहा हूँ। क्या करूँ, निकल लूँ यहाँ से, क्योंकि जॉन भी दूर है। और फाइनली गाइस आधे घंटे तक सोचने के बाद मैं जॉन में भागने की सोचता हूँ। थोड़ी देर में 4 नंबर भी हग लेगा। लो हग लिया, और उस बंदे ने 4 नंबर को नॉक फिनिश कर देता है। कोई अफसोस नहीं, शुरू से ही अकेला हूँ। और जॉन में आने के बाद मैं उस बंदे का वेट करता हूँ कि भाई जॉन में तो ज़रूर आएगा वो, लेकिन आधे पौने घंटे तक वेट करने के बाद भी वो नहीं आता। खैर फिर बगी बगी लेके यहाँ से नीचे से निकलता हूँ, तो सामने की तरफ आते हैं मुझे फायरिंग की साउंड। बच गया साला, सिर्फ और एक बुलेट लग जाती तो नॉक जरूर हो जाता। और भाई 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 सॉरी, मैं नहीं था यार। लगता है इसके एक दो टीममेट मर गए हैं, इसलिए तो इतना गुस्से में है। खैर ये भाई साहब का गुस्सा तो मैं ठंडा कर दूंगा। फिलहाल यहाँ 3 स्क्वाड के बीच फाइट चल रही है, मैं भी मरते मरते बचा। से फाइट करना बहुत मुश्किल है गाइस, मुझे कई और से एंगल बनाना होगा फाइट के लिए, क्योंकि ऐसी जगह पर ज़्यादातर बंदे साफ बने हुए रहते और स्पॉट भी नहीं होते। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी स्पॉट नहीं होते, हर बार साफ डस लेते हैं। झुकेगा नहीं साला, लेकिन अगर झुकेगा तभी तो चिकन डिनर मिलेगा। हो गया गुस्सा ठंडा। और इस नॉक वाले बंदे को फिनिश करते ही मुझे दिखती है सामने एक बग्गी। इन बंदों को छोड़कर बग्गी वाले बंदे के पीछे लग जाता हूँ। ओ भाई, मिनी सेकंड के लिए तो मुझे लगता है कि मैं गया, क्योंकि फायर विद प्रॉन में हमेशा मेरा एम बिगड़ ही जाता है।
फाइनली गाइस इतने सारे स्प्रे देने के बाद एक बंदा नॉक कर ही देता हूँ। एक बंदा नॉक करने के बाद रोटेट करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन फिर वापस आ जाता हूँ क्योंकि जोन के बाहर जा रहा था। यहाँ पत्थर के पास मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, काफ़ी ज़्यादा उसे डैमेज दिया। और उसी वक्त मैं रस करने के लिए बगी की तरफ बगी लेने जाता हूँ। और यहाँ बग्गी को एक दूसरे से इतना प्यार हो जाता है कि बग्गी एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। खैर दूसरी बग्गी उठाते हैं। अब सिर्फ आखिरी बंदा बचा है और इस आखिरी बंदे को कुचलने के बाद विनर विनर चिकन डिनर। अगर गाइस ये गेम प्ले वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।